ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶରେ କୃଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ କୃଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଗାଁ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦେଶ ସେତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ କେବଳ କୃଷକଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆମର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର କରୋନାର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜି କୃଷକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅତୀତରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଲ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ହମ୍ ଶହୀଦ ବୀର ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମନାଏଙ୍ଗେ। ମୈଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାଥ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଜରିଆରେ ଘରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ କରିବା ସହ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଣିଥାଏ। ଶୁଣୁଥିବା କାହାଣୀରୁ ହିଁ ଜଣେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସୃଜନଶୀଳ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତାପିତା ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ कहानी बनना ऊपर गुरुत्व देवार आवश्यकता रही है। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है, उसे प्रकट करती है। देशरे पड़ुथिबा कोरोना संक्रमणरु बचिबा पई सतर्क रहिबाकु अपील करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। जे पर्यंत एहि महामारी रोगर औषध न बाहरिछि आमकु सचेतन और सतर्क रहिबाकु हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।